Lesson 4, Probability. Question 1A, there are 4 alternative answers for each of the following sub-questions. Choose the correct alternative answer for each of the following questions and write the alphabet. तो चार ये एम सी क्यू क्वेश्चन है, इसमें चार ऑल्टरनेटिव ऑप्शन दिया रहेगा एंड यू हैव टू चूज अ करेक्ट वन. हर एक सम के लिए कितना है? 1 mark. Now what is sum number 1? Which of the following number cannot represent a probability? तो ये चार ऑप्शन में से कौन सा नंबर है जो प्रॉबिलिटी नहीं, प्रॉबिलिटी कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रॉबिलिटी, प्रॉबिलिटी नहीं है. तो प्रॉबिलिटी कोई भी इवेंट का जो प्रॉबिलिटी है वो 0 से लेके 1 तक रहता है. सो इट इज़ फ्रॉम 0 to 1. तो ये ऑप्शन बी जो है वो 1 से ज़्यादा है. सो दिस कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रॉबिलिटी. तो ये प्रॉबिलिटी नहीं है. तो आंसर क्या है? बी, दैट इज़ 1.5. और बाकी सब जो है वो 0 और 1 के बीच में आता है. 0.66, 0.15, 0.7. कोई भी 1 से बड़ा नहीं है, सिर्फ बी है जो 1 से बड़ा है. सो दिस कैनॉट रिप्रेजेंट अ प्रॉबिलिटी. नेक्स्ट वन, इफ़ एन ए इज़ इक्वल टू 5, पी ए इज़ इक्वल टू 1/2, देन एन एस इज़ इक्वल टू वॉट? तो एन एस ढूंढना इधर. तो पी ए का फॉर्मूला क्या है? पी ए इज़ इक्वल टू वॉट? एन ए अपॉन एन एस. एन ए अपॉन एन एस. अभी एन ए कितना दिया है, पी ए कितना दिया है? 1/2. तो यहाँ पे आएगा 1/2 इज इक्वल टू एन ए कितना दिया है? एन ए इज इक्वल टू 5 और एन एस ढूंढना है ना. क्रॉस मल्टीप्लाई एन एस को इधर लेके जाओ. सो व्हाट यू विल गेट? 1 into एन एस इज इक्वल टू 2 को इधर लेके आओ इन द न्यूमरेटर ऑन द राइट हैंड साइड. तो जब 2 इधर आएगा तो वॉट इट विल बिकम? 5 into 2. देयरफॉर एन एस इज इक्वल टू हाउ मच? एन एस इज इक्वल टू 10. तो एन एस का वैल्यू कितना है? 10. तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ए इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 10. यू हैव टू राइट लाइक दिस, ए 10. नेक्स्ट, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, the number of sample points in the sample space are how much? तो sample space में क्या क्या आएगा? तो dice जो रहता है, जैसे ludo, सांप सीढ़ी खेलते हैं, तो dice जो रहता है इस तरह रहता है, dice cube shape में रहता है. तो ये dice में कितना sample points आ सकते हैं? तो sample space में क्या क्या आएगा? sample space is equal to what? एक फेस में 6 faces रहता है एक क्यूब का. एक फेस में 1 dot रहता है, दूसरा में 2 dot रहता है, तीसरा फेस में 3 dot रहता है, वैसा 4 dot रहता है, 5 dot रहता है और 6 dots रहता है. तो इतना सारा डॉट्स इसमें रहता है, इतने सारे फेसेस है. तो एक फेस में 1 dot, दूसरा फेस में 2 dot, 3 dot एंड सो ऑन. तो एन एस कितना हो गया? इसे गिनेंगे तो कितना रहता है? 6. तो 6 इज़ द करेक्ट आंसर. So correct option is what? B, that is 6. So the space are what? The sample points in the sample space are what? 6. अभी एग्जाम में, इस साल एग्जाम में सिर्फ 4 लेसन है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बैंक ये 4th लेसन आएगा प्रॉबिबिलिटी. लेकिन टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग से प्रॉबिबिलिटी कौन सा लेसन है? लेसन नंबर 5. तो यहाँ पे 4 क्यों लिखा है? क्योंकि क्वेश्चन बैंक में सिर्फ एग्जाम में सिर्फ 4 ही लेसन है. तो फोर्थ लेसन कौन सा है? प्रॉबिबिलिटी. तो इसके लिए 4th लिखा हुआ है यहाँ पे. नाउ सम नंबर 4, इन हाउ मेनी वेज अ कार्ड कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स. अभी एक प्लेइंग कार्ड्स में अगर जोकर को हटा दे, एक पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, इफ आई बाय अ न्यू पैक, उसमें कितना कार्ड्स रहता है? 52 कार्ड्स रहता है अगर जोकर को हटा दे. सो इन हाउ मेनी वेज अ कार्ड कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड. तो कितना वेज से ये 52 कार्ड्स में से अलग अलग कार्ड्स निकाला जा सकता है? 52 कार्ड्स है, इसके लिए 52 वेज विल बी देयर. सो अ कार्ड कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ 52 प्लेइंग कार्ड्स इन 52 वेज. तो 52 वेज में से प्लेइंग कार्ड में से वी कैन रिमूव अ कार्ड. सो करेक्ट ऑप्शन इज वॉट? डी, that is 52. Next question, what is the probability of the event that a number chosen from 1 to 50 is a prime number? So correct option kaun sa hai? We have to do find out that. तो सैम्पल स्पेस एस में क्या रहेगा? सिंस देर आर 1 to 50, कौन सा नंबर्स है? 1 से लेके 50 तक नंबर्स है. सो सैम्पल स्पेस में 1
टू थ्री एंड सो ऑन टिल 50 तक रहेगा. तो एन एस विल बी इक्वल टू हाउ मच 50. नाउ लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर. सो व्हाट ऑल प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 50. 1 से लेके 50 तक कौन सा प्राइम नंबर्स आता है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. फिर उसके बाद आता है 31, 37, देन 41, 43, 47. सो दीज आर द प्राइम नंबर्स बिटवीन फ्रॉम नॉट बिटवीन फ्रॉम 1 to 50. 1 से लेके 50 तक ये सब प्राइम नंबर्स आता है. तो एनी कितना है? काउंट दिस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. सो एनी इज इक्वल टू हाउ मच? 15. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट. तो पी ए का फॉर्मूला क्या है? एनी अपॉन एन एस. एनी कितना मिला है? 15. और एन एस कितना था? 50. तो 15 अपॉन 50. दोनों भी 5 के टेबल में जाता है. 5 3 5 10. सो आंसर इज़ व्हाट? 3 अपॉन 10. सो विच इज़ अ करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज 3 अपॉन 10. Now sum number 6, which of the following options shows the highest probability? 4 upon 5, 0.83, 58% or half? अभी 4 को 5 से divide करेंगे तो क्या मिलता है? 4 doesn't go in 5's table. तो point डाल के 0 डालो. 5 8's are 40. तो answer is what? 0.8. second वाला already decimal में ही 0.83. थर्ड वाला क्या है? 58%, दैट मीन्स 58 अपॉन 100. दो जीरो है तो ये 100 निकल जाएगा. तो क्या आएगा? 0.58. दो नंबर के बाद डेसिमल डालना है. नेक्स्ट वन इज़ व्हाट? हाफ. 1 को जब ही 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 डजेंट गो इन 2's टेबल. पुट अ पॉइंट एंड पुट 10. तो 2 5 ज़ा 10. तो क्या क्या ऑप्शन मिला था? फर्स्ट वाला वी हैड गॉट 0.8. सेकेंड वाला दिया था 0.83. थर्ड वाला वी हैव गॉट व्हाट? 0.58. और लास्ट वन हाफ कितना मिला था? 0.5. तो इसमें से सबसे बड़ा नंबर क्या है? 0.83. बाकी सब उससे छोटे हैं. तो 0.83 कौन सा ऑप्शन है? बी, 0.83. सो दिस शोज द हाइएस्ट प्रोबेबिलिटी. नाउ व्हेन टू डाइज आर थ्रोन इन द नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन द सैम्पल स्पेस आर डैश. 6 है के 12 है के 36 है के 52. अभी दो डाइज फेंका जाएगा तो पहला डाइज में 1 डॉट रहेगा तो दूसरा डाइज में लेट अस अज्यूम 1 ही है. उसी तरह पहला में 1 रहेगा तो दूसरा डाइज में 2 हो सकता है. उसी तरह 1 फर्स्ट डाइज में 1 है तो दूसरा डाइज में 3 हो सकता है. उसी तरह पहला डाइज में 1 है तो सेकंड डाइज में 4 हो सकता है. उसी तरह पहला डाइज में अगर 1 है तो सेकंड डाइज में 5 हो सकता है. और 1 हो सकता है पहला डाइज में और सेकंड डाइज में 6 हो सकता है. अभी समझो सेकंड डाइज फर्स्ट डाइज में 2 आया तो व्हाट विल कम? सेम लाइक दिस ओनली इट विल कम 2 1 2 2 2 3 2 4. कभी कभी एग्जाम में सिर्फ सैम्पल स्पेस पूछते हैं तो यू शुड नो हाउ टू फाइंड आउट द सैम्पल स्पेस. उसी तरह 3 1 4 1 5 1 एंड 6 1. 3 2 4 2 5 2 6 2. 3 3 3 4 3 5 3 6 2 3 3 4 4 5 4 6 2 3 3 4 3 5 3 6 3 5 4 6 4 5 5 6 5 5 6 and 6 6. So these are the possibilities.
तो एस में कितने हैं, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 6 है, तो 6 × 6 विल बी इक्वल टू हाउ मच, 36. सो एन एस इज इक्वल टू वॉट, 36. सो वॉट इज़ अ करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज 36. सो वेन टू डाइस आर थ्रोन द नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन द सैम्पल स्पेस आर हाउ मच, 36. सो करेक्ट ऑप्शन इज वॉट, सी, सी दैट इज 36. क्वेश्चन 1B, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस, और हर सम के लिए कितना मार्क्स है, 1 मार्क. सम नंबर 1, अभी ये क्वेश्चन 1B में जो भी सम्स पूछा है सिर्फ सैम्पल स्पेस लिखना, और बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछते भी हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो हाउ टू राइट द सैम्पल स्पेस. नाउ सम नंबर 1, राइट द सैम्पल स्पेस इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली. तो अगर दो कॉइन को एक साथ टॉस करें तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? तो S, लेट S बी द सैम्पल स्पेस, तो S में क्या क्या आएगा? दोनों भी हेड रहेगा, नहीं तो हेड टेल रहेगा, नहीं तो टेल हेड रहेगा, नहीं तो दोनों भी टेल रहेगा. सो सैम्पल स्पेस में ये आएगा, दोनों हेड, नहीं तो हेड टेल, नहीं तो टेल हेड, नहीं तो दोनों भी टेल. अगर उसको याद रखना हो तो दो बार H लिखो, दो बार टेल लिखो, और फिर एक बार एच, एक बार टेल, एक बार एच, एक बार टेल. ये पहला कॉइन के लिए, ये दूसरा कॉइन के लिए. तो इफ़ यू सी, दो बार एच, फिर हेड और टेल, फिर टेल और हेड, फिर दोनों बार टेल. तो शॉर्टकट में ऐसा भी याद कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, राइट अ सैम्पल स्पेस व्हेन अ डाई इज थ्रोन. तो अगर एक डाई को थ्रो करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? सो व्हाट विल बी देयर इन द सैम्पल स्पेस? सो व्हेन अ डाई इज थ्रोन, लेट एस बी द सैम्पल स्पेस. तो डाई ऐसा रहता है जब थ्रो करते हैं तो ऊपर के फेस में कौन सा नंबर आने का पॉसिबिलिटी है? तो या तो 1 डॉट रहेगा, नहीं तो 2 डॉट रहेगा, नहीं तो 3 डॉट्स, ने तो 4 डॉट्स, ने तो 5 डॉट्स, ने तो 6 डॉट्स. तो सैम्पल स्पेस में क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6. नेक्स्ट, इन अ सेट ऑफ 25 कार्ड्स, ईच कार्ड बेयर्स ओनली 1 नंबर फ्रॉम 1 to 25. वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, राइट द सैम्पल स्पेस फॉर दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट. तो लेट एस बी द सैम्पल स्पेस. तो यहाँ पे क्या लिखा है? 25 कार्ड्स है और हर कार्ड में एक एक नंबर लिखा है. जैसे कि फर्स्ट कार्ड में 1 लिखा होगा, सेकंड कार्ड में 2, थर्ड कार्ड में 3, एंड सो ऑन. 25 कार्ड्स है तो 1 to 25 तक नंबर्स लिखा होगा, और एक कार्ड जो है इट विल बी ड्रॉन रैंडमली, सो राइट द सैम्पल स्पेस. तो इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए सैम्पल स्पेस लिखना है. तो यहाँ पे वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, उसके पर मत ध्यान दो, सैम्पल स्पेस क्या आएगा वही लिखना है. तो एस क्या रहेगा? सिंस 25 कार्ड्स है तो 1, 2, 3, और इन शॉर्ट पुट डॉट एंड लास्ट नंबर 25 लिख सकते हैं. यू डोंट हैव टू राइट ऑल द नंबर्स, सिर्फ 2-3 नंबर्स लिख के डॉट डॉट डाल के लास्ट नंबर 25 लिखना है. सो सैम्पल स्पेस इज वॉट, फ्रॉम 1 to 25 नंबर्स. सम नंबर 4, अ 2-डिजिट नंबर इज फॉर्म विथ डिजिट्स 2, 3, 5 विदाउट रेपिटेशन, राइट द सैम्पल स्पेस. तो ये 3 डिजिट्स दिया है, 2, 3, 5, इसे 2-डिजिट नंबर्स बनाना है और उसका सैम्पल स्पेस लिखना है. 2-डिजिट नंबर्स का मतलब क्या है? जैसे 12, 11, 13, 10, यू कांट टेक 9, 9 इज 1-डिजिट नंबर. उसी तरह 100, 101 सब नहीं ले सकते क्योंकि वो 3-डिजिट नंबर्स हैं. और नंबर्स रिपीट भी नहीं होना चाहिए विदाउट रिपीटेशन. पहले 2 लेते हैं, 2 को 2 के साथ खुद लेंगे तो 2 हो जाएगा 22, पर 22 नहीं ले सकते इवन दो इट इज़ अ 2-डिजिट नंबर, बिकॉज दे वांट नंबर जिसमें रिपीट नहीं होना चाहिए. तो 22 यू कांट टेक. फिर नेक्स्ट 2 को 3 के साथ जोड़ो तो 23 बनेगा, तो दिस अ 2-डिजिट नंबर, तो फर्स्ट नंबर इज़ वॉट, 23. उसी तरह 2 को 5 के साथ जोड़ो तो क्या बनेगा? 25. इट इज़ अ 2-डिजिट नंबर, तो राइट 25. नेक्स्ट 3 से स्टार्ट करो, 3 को 3 से खुद से लेगा तो 33 बनेगा, लेकिन 33 नहीं ले सकता है बिकॉज वी डोंट वॉन्ट नंबर्स विथ रिपीटेशन. अभी 3 को 2 के साथ लो तो क्या बनेगा? 32. इट इज़ अ 2-डिजिट नंबर. 3 को 5 के साथ लो तो क्या बनेगा? 35. दैट इज़ ऑल्सो अ 2-डिजिट नंबर.
अभी 5 लेना है, 5 को 5 के साथ जोड़ेगा तो 55 मिलेगा, बट वी कांट टेक दैट इवन दो इट इज़ अ टू डिजिट नंबर बिकॉज वी नीड नंबर विदाउट रिपीटेशन। अभी 5 को 2 के साथ जोड़ो तो क्या मिलेगा, 52 विच इज़ अ टू डिजिट नंबर। उसी तरह 5 को 3 के साथ जोड़ो तो क्या मिलेगा, 53 विच इज़ अ टू डिजिट नंबर। तो सैम्पल स्पेस में क्या आएगा, 23, 25, 32, 35, 52, 53। Next one, write the event in the set form for the following random experiment. If one die is thrown, the number obtained on the upper face is even. तो इसमें sample space भी लिखना है और event भी लिखना है in set form. तो अगर एक die throw करेगा तो क्या क्या possibilities है? So number on the dots on the upper face can be 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो जब एक डाई थ्रो करते हैं तो दिस आर द नंबर्स विच कम इन द सैम्पल स्पेस। नाउ इवेंट, लेट ए बी द इवेंट दैट द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन द अपर फेस इज इवन। तो ऊपर के फेस में जो नंबर आता है वो इवन है, उसका पॉसिबिलिटी क्या है, उसको सेट फॉर्म में लिखना है। तो इवन नंबर कौन सा है, 2, 4 और 6। तो ए में क्या आएगा, 2, 4, 6। तो ये लास्ट वाला सम में सैम्पल स्पेस भी लिखना और इवेंट भी लिखना इन द सेट फॉर्म। तो इवेंट ए, लेट ए बी द इवेंट दैट द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन द अपर फेस इज इवन। तो ऊपर के जो फेस में जो नंबर आएगा वो इवन है, उसका पॉसिबिलिटीज लिखना है। तो ए में क्या आएगा, 2, 4, 6।